जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ TGC 135 की, जो होने वाली है बैंगलोर में। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मेरी 10 बजे ट्रेन है। ग्वालियर से झांसी जाऊँगा पहले मैं, फिर आगे का आपको बताता हूँ कि बैंगलोर कैसे पहुँचूँगा। तो निकलते हैं फिर दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार मैं पैकेज में लेके जाने वाला हूँ अपना एक बैकपैक होगा, जिसमें मेरा लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स हैं। ये वाला बैग जो है, ये इस बार मैं एडिशनल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहीं से अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मेरा मतलब ऑफिस का सामान और एक्स्ट्रा जो भी लगेज है वो इस बैग में डाल दिया है। और ये वाला एज यूजुअल ये वाला ट्रॉली बैग है, इसमें मेरा SSB का पूरा सामान है। तो ये तीन सामान मैं लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ और अभी ट्रेन 10 मिनट लेट दिखा रही है, तो 10:10 तक आ जाएगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं और अगर आपको SSB के बारे में, डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड के बारे में जानना है, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना दिए हैं। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड के बारे में जान सकते हैं। वो वीडियोस पूरा दिखेंगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। और ये जो मेरी बैंगलोर की SSB होने वाली है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि SSB के आसपास कहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं, चीपेस्ट स्टे कहाँ पर मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ शेयर करूँगा। अभी जहाँ से मेरी ट्रेन है झांसी के लिए, झांसी में पहुँचते हैं। संपर्क क्रांति से ग्वालियर से झांसी आया हूँ और अभी 11:30 बज रहे हैं और 2:15 पर मेरी कर्नाटका संपर्क क्रांति है बेंगलुरु के लिए। तो मेरे को इस वाली, ये जो कर्नाटका संपर्क क्रांति है, ये ग्वालियर में रुकती नहीं है ये वाली ट्रेन। तो पहले मैंने इसको दिल्ली टू KSR बेंगलुरु की टिकट बुक कराई और मैंने बोर्डिंग की है झांसी से। तो इसीलिए मैं झांसी आना पड़ा मुझे, ताकि मैं झांसी से बोर्ड कर सकूँ। और मैंने 3rd AC में टिकट कराया है, क्योंकि जर्नी बहुत ही लंबी होने वाली है, 2,200 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस कवर करने वाली है ट्रेन। तो लास्ट टाइम जब मैं बैंगलोर गया था, तो मैंने स्लीपर में कराई थी, तो उसमें बहुत दिक्कत हुई थी मुझे 40 घंटे स्लीपर में। तो इसीलिए इस बार मैंने 3rd AC कराया। तो लेट्स सी कैसी जर्नी जाती है। और अभी मेरे पास 2 से 2.5 घंटा है वेट करने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि वेटिंग रूम जाके वेट करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ और फिर बोर्ड करने के लिए वापस इसी प्लेटफॉर्म पे आता हूँ। तो चलो चलते हैं, वेटिंग रूम में वेट करेंगे थोड़ी देर। फाइनली आफ्टर 40 आवर्स ऑफ जर्नी और 2,200 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैवलिंग,
मैं पहुंच चुका हूँ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन और यहीं पे डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी जो मैंने कर लिया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला SSB बैंगलोर का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था इस डॉर्मेट्री के बारे में। तो यहाँ पे मेरा पिछली बार दोस्त रुका था तो इस बार मैं सोच रहा हूँ मैं खुद रुक के देख लेता हूँ। तो इसका जो चार्ज है उसका मैं फ़ोटो खींच के लगा दूँगा, आप देख लेना। मेरे को अभी 190 रुपीज़ लगा है पर हेड फॉर 24 आवर्स। और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई मुझे, जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो मुझे मेरी कोच में मेरा कलीग मिल गया था तो उसके साथ सफ़र अच्छे से कट गया। और उसी के साथ मेरा जो एक एक्स्ट्रा बैग था पर्पल वाला जो मैं आपको बता रहा था उसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान है तो वो मेरा दोस्त लेके चला गया मैसूर, तो वहीं पे जाके वो सामान मैं ले लूँगा और वहीं पे हम लोगों को रिपोर्ट भी करना है। तो बस यही था, आप देख सकते हैं ये जो हॉल, ये जो डॉर्मेट्री है मेरी, एक सिंगल बेड है, इसकी वीडियो मैं अच्छे से दिखा दूँगा। तो अब रेस्ट करते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं, कल रिपोर्टिंग है। तो मिलते हैं आपसे The next day। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मैं तैयार हो चुका हूँ और SSB का रिपोर्टिंग भी है, 6 बजे निकलते हैं और आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा पूरा SSB का SSB के बाद। तो चलो चलते हैं। A few hours later। तो दोस्तों अभी मैं हूँ KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे और मेरी ट्रेन आ चुकी है। तो मैं स्टेशन पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन आउट हो गया हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अब मैं जा रहा हूँ मैसूर अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्वाइन करने, तो वहाँ पे आपको मैं आगे की स्टोरी बताऊँगा कि आज क्या हुआ मेरे स्क्रीनिंग डे पे, पिक्चर क्या थी और OIR कैसा था, सब कुछ डिटेल में बात करूँगा। तो ट्रेन बोर्ड करते हैं और पहुँचते हैं मैसूर। द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों स्वागत है आपका। तो अब मैं आ चुका हूँ मैसूर में और अभी मैं अपने होटल में हूँ जो अकोमोडेशन कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि मेरी SSB में क्या क्या हुआ था, मेरा OIR टेस्ट बुकलेट्स कौन कौन सी हमारे बैच में आई थी और PPDT में कौन सी पिक्चर थी और मेरी स्टोरी क्या थी। तो चलो डिटेल में बात करते हैं इन सब के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं SSB बैंगलोर TGC 135 के बारे में डिटेल में कि मेरा स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे मैं डॉर्मेट्री में रुका था। तो ये जो यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है ये हमारे SSB सेंटर से ये अराउंड 11-12 किलोमीटर्स दूर है। तो सुबह थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हुई थी ओला उबर ढूंढने में क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल ऑटोज़ हैं वो चार्ज कर रहे थे 400 से 500 रुपये। तो मैंने ओला बुक की, मुझे 275 रुपीज़ पड़ा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसा यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे डॉर्मेट्री है वैसा ही एक KSR पे भी है। तो आप KSR बेंगलुरु जंक्शन पे भी डॉर्मेट्री या रूम बुक कर सकते हैं, बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा रूम है वहाँ पे भी। तो वहाँ से आपको जो SSB बेंगलोर है वो अराउंड 4.7 किलोमीटर पड़ेगा और वो सही भी पड़ जाएगा आपको, मतलब ट्रैवलिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और चीप भी रहेगा। तो ये हो गया। तो फिर मैं ऑटो करके SSB सेंटर पहुँचता हूँ और जब मैं SSB सेंटर पहुँचता हूँ तो मेन गेट पे 3 डॉक्यूमेंट्स हमें बोले गए थे निकालने के लिए। सबसे पहले हमारा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, फिर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म एंड आधार कार्ड। ये तीनों जो डॉक्यूमेंट थे हमारे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद हम लोगों को अंदर भेज दिया गया और अंदर जाके हमारी जो 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की गई और हम लोगों को चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए गए। ये सब होने के बाद हम लोगों को मैस में भेज दिया जाता है नाश्ता करने के लिए और नाश्ता हो जाने के बाद हम लोगों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग हमें एक फोल्डर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं और सबमिट कर देने होते हैं। ये जो चीज़ थी ये पहली बार मैंने देखी, इससे हमारा टाइम भी बहुत बचा, हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए थे और आई थिंक वो बाद में वेरीफाई कर रहे थे, उसको चेक कर रहे थे, तो इससे बहुत सारा टाइम बचा। फिर उसके बाद हम लोगों को भेज दिया जाता है टेस्टिंग हॉल में। टेस्टिंग हॉल में भेज के हमारा जो प्रोसीजर होता है स्टेज 1 का वो कैरियड आउट किया जाता है। तो मैं बता दूँ रिपोर्टेड हुए थे 154 और TGC 135 मेरे वाले बैच के लिए और अराउंड स्क्रीन इन हुए थे 30। तो हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि स्टेज 1 में क्या क्या हुआ था। तो स्टेज 1 में सबसे पहले होता है OIR। तो OIR के 2 टेस्ट हुए थे, उसमें से जो एक टेस्ट था वर्बल का उसमें टेस्ट बुकलेट नंबर 202 आई थी हमारी और टेस्ट फॉर नॉन वर्बल टेस्ट बुकलेट नंबर 203 आई थी। अगर 202 की बात करूँ इसके लिए हमें 30 मिनट्स मिले थे और ये जो 202 थी ऐसी मैंने कपूरथला और भोपाल में पहले देख चुकी है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बुकलेट है ये। इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जो प्लस और माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के जो साइंस होते हैं उनको रिप्लेस करके उनकी वैल्यू बदल दी जाती है, लाइक प्लस का मतलब होता है माइनस, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है डिवीजन। तो ये वाले बहुत ही कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस थे, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहे थे
तो इसमें मुझे टाइम लगा था, लास्ट में मैंने कंप्लीट करने के लिए तुक्के मार दिए थे, तो मेरे 45 क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे इसमें। और जो नॉन वर्बल की बात करूँ तो ये बहुत ही ईजी थी, ये वाली मैंने पहले भी कर रखी है तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और विद इन 30 मिनट्स मैंने ये भी कंप्लीट कर दी थी, और मुझे श्योर था कि मैंने ये अच्छा किया, और ज़्यादातर लोगों के लिए ये अच्छी गई होगी क्योंकि ये बहुत ही ईजी बुकलेट थी। तो हम मेन पार्ट की बात करते हैं, जो PPDT होती है, इसमें जो पिक्चर आई थी उसमें क्या था, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, और ऐसा लग रहा था किसी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है। उसमें मेरे को चार कैरेक्टर्स दिखे थे, चारों मेल थे। मुझे ये जो इंटरनेट पे फोटो मिली है इसको मैंने ट्राई किया कि वैसी ही पिक्चर लगे, तो ये जो चार मेल कैरेक्टर्स थे वो बैकपैक टांगे हुए थे और चल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है और ये कहीं जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस पे जो स्टोरी बनी थी मेरी, तो इसमें क्या था, जो बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया था, एक मेल कैरेक्टर लिया था, 23 एज थी और पॉजिटिव था, इसको मैंने अपना सेंट्रल कैरेक्टर बनाया था, और तीन मेल कैरेक्टर और थे उनकी एज भी इसी के अराउंड थी, तो उनको भी मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो आप देख सकते हैं ये मेरी बॉक्स फिलिंग थी। तो ये जो चार कैरेक्टर्स थे मैंने बनाया था कि गोइंग ऑन ट्रिप विद फ्रेंड्स, ये मेरा एक्शन था। लेट स्टार्ट विद माई स्टोरी, मैंने क्या लिखा था स्टोरी में, श्लोक शर्मा 23 वॉज BTech फाइनल ईयर स्टूडेंट इन MMUT गोरखपुर। रिसेंटली फाइनल ईयर एग्जाम्स वर कंक्लूडेड, सो ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो ऑन अ ट्रिप टू रिफ्रेश देमसेल्व्स। ही रिसीव्ड वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि हमें स्टोरी में तीन चीजें लिखनी होती हैं, तो ये जो पार्ट था ये मेरा था, व्हाट लेड टू द सिचुएशन और इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद मैंने एक्शंस वाला पार्ट लिखा था, देयर फोर ही मेड द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द इंटरेस्टेड फ्रेंड्स, दे चूज द डेस्टिनेशन आफ्टर डिस्कशन, एंड ही मेड एन आइटिनरी आफ्टर रिसर्चिंग अबाउट द प्लेस ऑन इंटरनेट। ही ऑल्सो डिवाइडेड द टास्क अमंग हिज फ्रेंड्स, लाइक बुकिंग टिकट्स फॉर ट्रेवलिंग, अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन एंड फूड एटसेट्रा। द डे केम, दे एग्जीक्यूटेड द प्लान एंड रीच डेस्टिनेशन। दे इंटरेक्टेड विद लोकल पीपल, लर्न देयर कल्चर, ट्राइड लोकल क्विजीन एंड विजिटेड वेरियस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये जो था मेरा, ये एक्शन पार्ट था, और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक लास्ट होता है कंक्लूजन, व्हाट इज द आउटकम। तो दे ऑल्सो क्लिक मैनी फोटोज एंड इट बिकेम अ मेमोरेबल ट्रिप एंड दे रिटर्न सेफली। ऐसे मेरी स्टोरी हो गई थी। स्टोरी राइटिंग के बाद हम लोगों को हॉल के बाहर भेज दिया गया था, और हम लोगों को 15 to 16 का एक ग्रुप बनाया गया था, डिवाइड कर दिया गया था 154 लोगों को, और फिर हम लोगों को नरेशन के लिए बुलाया गया। तो मैं अगर इंडिविजुअल नरेशन की बात करूँ तो मेरा बहुत ही शानदार गया था मुझे लगता है, क्योंकि मैं विद इन टाइम भी नरेशन कर दिया था, और बहुत ही अच्छा हो गया था मेरा, मतलब इंडिविजुअल नरेशन क्रिस्प था और शॉर्ट था। लेकिन मुझे लगता है जो प्रॉब्लम हुई थी मुझे वहाँ पे आई थी ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में हमारा ना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, फिश मार्केट हो गया था, फिश मार्केट की वजह से कोई भी अपना आइडिया किसी और को बता नहीं पा रहा है, आपस में सब लोग एक दूसरे को बताना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, और जो दो ग्रुप डिवाइड भी होते हैं उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन हो नहीं पा रहा था। लेकिन मैं बताऊं तो जो हमारी कॉमन थीम थी वो मेरी ही स्टोरी की सिमिलर लाइंस पे थी, लाइक हम सभी ने ग्रुप में जो कॉमन स्टोरी बनाई थी वो ऐसा था कि एक ग्रुप है वो ट्रिप कैसे ऑर्गेनाइज करता है और वो कैसे जाते हैं। तो ये मेरी स्टोरी थी, और यह कॉमन स्टोरी भी थी, और फिर हम लोग नॉमिनेट कर देते हैं एक बंदे को स्टोरी नरेट करने के लिए, वो स्टोरी नरेट कर देता है और हमारी PPDT हो जाती है। तो अगर दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए SSB से रिलेटेड, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल ID पे, और अगर आपको चैट करना है मुझसे या टेक्स्ट पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है इस वीडियो में, तो ज़रूर से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।